वीडियो देखने के बाद आप घर पे बनाइए और खाइए, कैसा लगा जरूर बताइए और मुझे बताइए कि आपको क्या क्या रेसिपी पसंद है, तो मैं मेरा ये नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। पहले चिकन लेग पीस लेना है और इसे स्लाइस करके अच्छी तरह कट लगा लेना है, क्योंकि इसके अंदर वो मसाला वगैरह जाएगा, इसलिए हमें अच्छी तरह से कट ले लेना है। मिर्च को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। हमने एक पेप्सिकम ले लिया है, उसे भी हम छोटे छोटे टुकड़े में काट ले लेते हैं। एक प्याज ले लीजिए, इसको भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए, पूरा छोटे छोटे दानादार होना चाहिए। एक लहसुन लेना है और इसके छिलके निकाल देना है। छोटे टुकड़े अदरक लेना है और इसको काट देना है। जितने सारे वेजिटेबल कट किए थे वो ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। फिर ले लेते हैं हम चिकन मसाला, नमक, मिर्च का पाउडर, सॉस ले लेते हैं, हल्दी का पाउडर ले लेते हैं और छोटा सा नींबू को काट के नींबू का रस भी डाल देते हैं। ये सब मिला के हम उसे अच्छी तरह ग्राइंडिंग कर लेते हैं। अभी ग्राइंडर बन के रेडी हो चुका है, हमारा पेस्ट भी तैयार हो चुका है। अभी जो चिकन की पीस में लेप लगा लेना है, एक बार अच्छी तरह से लेप लगा लेना है, जिसके लिए उसके अंदर भी चिकन के अंदर भी मसाला पहुंच सकता है। फिर थोड़ा सा चिकन मसाला उसके ऊपर छिड़काव कर लेंगे। फिर एक पैन ले लेना है, लेने के बाद हमारे जितने भी लेग पीस है उसमें रख लेंगे हम। रखने के बाद एक स्टील बाउल में हम क्या करेंगे, कुछ राख ले लेंगे, राख ले लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल छिड़का देंगे और क्या करेंगे, उसको ढक्कन लगा लेंगे ताकि वो जो उसमें जो राख का जो स्मेल है, स्मेल आ जाएगा कुछ समय करने के बाद। एक पैन ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा तेल डाल के धीमी आंच के साथ उसमें रख लेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं, धीमी आंच के साथ उसको पकाएंगे। अभी बनके पूरा तैयार हो गया है, अब आप खा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।